बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग? जिस तरह आप रिफ्लेक्टिव थिंक कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो रही होती है, अगर आपको आप उसको रिटन फॉर्म में मेंशन कर देते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं रिटन फॉर्म में, तो ये आपके पास एक सबूत हो जाता है कि आपने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की थी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या चीज है? इट इज एन एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का एक सबूत है ये। लुकिंग बैक एट समथिंग समथिंग दैट हैपेंड ऑन एन आइडिया और अ प्रोजेक्ट, रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आप लुकिंग बैक यानी कि जो इवेंट हो गया है आपने उसको गो थ्रू किया, उस पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की, एनालाइजिंग व्हाट हैपेंड और हुआ क्या, उसको आपने एनालाइज किया एंड थिंकिंग केयरफुली अबाउट दैट, इट्स ऑल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अब जस्ट आपने जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की है उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं अगर रिटन फॉर्म में, दैट इज योर रिफ्लेक्टिव राइटिंग। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग आपके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का एक एविडेंस के तौर पर आपके पास सेव हो सकता है। वी ऑलरेडी नो दैट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव राइटिंग डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करी होती है लिंक्स थ्योरी टू प्रैक्टिस के, जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में हेल्प आउट करती है, उन दोनों को लिंक करती है थ्योरी और प्रैक्टिकल को। इट क्वेश्चन एक्सपीरियंस और ये आपसे जो आपके तजर्बा है या फिर जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो भी इवेंट, ये उस पर क्वेश्चन रेज करता है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग रेज करती है एंड देन हैज अ फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। और इसका मेन फोकस होता है कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए टू योर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, टू योर रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली योर परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक रिफ्लेक्टिव राइटिंग, एग्जाम्पल क्या है? स्पेसिफिक टास्क वर शेयर्ड आउट अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ माई टीम। अब स्पेसिफिक टाइम टास्क है, अगर आप टीम के तमाम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि फलाने ये काम करना है ये काम करना है। इनिशियली हाउएवर द टास्क वर नॉट सीन एज इक्वली डिफिकल्ट बट बाय ऑल टीम मेंबर्स। तो स्टार्ट में क्या होगा, कोई भी टास्क डिफिकल्ट नहीं फील होगा टीम मेंबर से। कॉपरेशन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स वाज एट रिस्क बिकॉज ऑफ दिस परसेप्शन ऑफ अनफेयरनेस। तो अब इस केस में जो कॉपरेशन है या फिर जो बाहमी तावुन है टीम मेंबर्स के दरम्यान में, वो रिस्क पर भी हो सकता है, वो इंडेंजर हो सकता है। उसकी उसकी क्या रीजन है? उसकी ये कि टीम मेंबर ये सोच सकते हैं कि जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई टास्क की। सोशल इंटरडिपेंडेंस थेरी रिकॉग्नाइजेस द टाइप ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन कॉल्ड पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस मीनिंग कॉपरेशन। अब अगर आपने रिफ्लेक्टिवली थिंक किया है और आप उसको टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो आप इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि इक्वल टास्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्वल टू द सेम मेंबर्स। देन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग, जब आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी है इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? नंबर वन, इस इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग में फर्स्ट पॉइंट पर डिस्क्रिप्शन आता है कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, व्हाट इज बीइंग एग्जामिन्ड और आपने ऑब्जर्व क्या किया। कीप दिस पार्ट शॉर्ट, और इस पार्ट को आपने शॉर्ट रखना होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पार्ट शॉर्ट होता है रिफ्लेक्टिव राइटिंग का। देन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के पार्ट में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो आपने डिस्क्राइब किया है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपने वो हाईलाइट कर लिया, आपने अपना ऑब्जेक्टिव हाईलाइट कर लिया। देन हाउ इट कैन इट बी एक्सप्लेन, आपने उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं फ्रॉम लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट। आप उस रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन पर लिटरेचर सर्च आउट कर लें, उस रेलिवेंट डिटेल फाइंड आउट कर लें, हाउ इज इट सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि ये सिमिलैरिटी क्या है, आपको जो इवेंट एक्सपीरियंस हुआ उसका उसकी और डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है और सेम चीजें क्या है विद अदर्स। देन फाइनली आप आउटकम सजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आउटकम फाइंड आउट करते हैं, व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम दिस, के आपने उससे एक्चुअली क्या लर्न किया, आपने क्या कंक्लूड किया, व्हाट डज दिस मीन फॉर माय फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए आप ये किस तरह से हेल्पफुल होगा फॉर यू योर सेल्फ। रिमेंबर द फॉलोइंग फोर की पॉइंट्स। अब जब भी आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी है आपने तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेप्स, डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड आउटकम। अब फोर पॉइंट्स कौन से हैं जो हमने रिमेम्बर करने हैं, जो हमने याद रखने हैं जब भी हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग करेंगे? द नंबर वन, रिफ्लेक्शन क्या चीज है? इट इज एन एक्सप्लोरेशन एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट, कि कोई भी जो इवेंट या सिचुएशन हुई है ये उसको एक्सप्लोर करता है। ठीक है, इसको वाजिया करता है और उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है। नंबर टू, इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट ओनली द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट, कि ये उसमें से जो सिग्निफिकेंट, जो इम्पोर्टेंट, जो जरूरी पार्ट हैं डिस्क्रिप्शन के, वो हाईलाइट करता है, उसको बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, अननेसेसरी चीजें बीच से कट आउट कर देता है। नंबर थ्री, व्हाइल यू आर डूइंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग डोंट ट्राई टू टेल द होल स्टोरी, पूरी की पूरी स्टोरी ए टू जी लिखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिस वुड बी डिस्क्रिप्शन रादर देन इंटरप्रिटेशन। ये एक डिस्क्रिप्शन होती है, शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है,
और इंटरप्रिटेशन के बजाय, यानी कि आप इंटरप्रेट नहीं कर रहे होते उसको, फर्दर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, उसको मतलब नहीं बता रहे होते. देन द फोर्थ पॉइंट, व्हाट शुड वी रिमेम्बर, इट इज ऑफन यूजफुल टू रिफ्लेक्ट फॉरवर्ड टू द फ्यूचर एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन द पास्ट. कि जब भी रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी है आपने, फॉरवर्ड फ्यूचर एस्पेक्ट पे उसको देखना है, और बैकवर्ड यानी कि उसके बैक एंड पर उसके जो एक्चुअल कॉज या फिर रीजनिंग है वो भी आपने देखनी है. ठीक है, दोनों फ्यूचर और पास्ट दोनों को साथ लेकर चलना होता है. देन वोकैबुलरी फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए जो वर्ड्स या फ्रेजेस स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं उसमें वर्ड यूज किया जाएगा डिस्क्रिप्शन. व्हाई? बिकॉज द रेंज ऑफ इवेंट्स, आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स कैन बी सो ग्रेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू सजेस्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी टू हेल्प यू रिफ्लेक्ट. तो इसलिए इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप जैसे शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करते हैं, कोई तफसील बता देते हैं शॉर्ट से पैरा में, इस तरह से डिस्क्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है. इसलिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई वर्ड या फ्रेजल वर्ब यूज नहीं किया जाता, बल्कि सादा अल्फाज में डिस्क्रिप्शन दी जाती है. देन रिमेंबर, व्हाट शुड बी रिमेंबर, वी टेंड टू टॉक द इवेंट्स यूजिंग द पास्ट टेंस. इनके दो चीजें हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड रिमेंबर. आपने डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, रिमेंबर आपने पास्ट को सोचना है, याद रखना है. दिस वॉज ऑल. नाउ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग टू. तो नंबर वन हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है और इसमें हमने रिमेम्बर ये दो वर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है, वोकैबुलरी में. नाउ रिफ्लेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व एन एक्सप्लोरेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट. ये ऊपर जो ये पैराग्राफ रेपिटेशन की गई है सेम वही एक्सप्लेन यहाँ पर दोबारा से मेंशन की है. की फीचर्स क्या है फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग के की फीचर्स ये मेंशन है. द नंबर वन, इट इंटीग्रेट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है. तो नंबर वन, ये थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ रिलेट कर रहा होता है, कि जो आपने लिखा या पढ़ा वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करवा किया जाता है इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग. देन इट आइडेंटिफाइज द लर्निंग आउटकम्स ऑफ योर एक्सपीरियंस. जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपको प्रॉब्लम या फिर कुछ भी इवेंट, कोई सिचुएशन इनकाउंटर हुई, आपको फेस करना पड़ी, ये उससे आप एक्चुअली आप लर्निंग आउटकम्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, आपको उससे सीख रहे होते हैं. ठीक है, और इसमें जब आप लर्निंग एक्सपीरियंस या लर्निंग आउटकम्स ऑफ योर एक्सपीरियंस है, इसमें आप जब भी कुछ लर्न कर रहे हैं तो आपने किन चीजों का ध्यान रखना है. बी सिलेक्टिव, आपको सिलेक्टिव रहना है. आइडेंटिफाई द चैलेंजिंग और सक्सेसफुल पार्ट्स ऑफ द एनकाउंटर. कि जो आपको प्रॉब्लम फेस है उसके चैलेंजिंग या सक्सेसफुल पार्ट्स आपने वो आइडेंटिफाई एक्चुअली करने हैं. रिफ्लेक्ट डीपली ऑन अ फ्यू सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स एंड लर्निंग पॉइंट्स. उसमें से जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं या फिर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप लर्न कर सकते हैं, उनको आपने डीपली थिंक करना है. नंबर टू, डिस्कस. आपने जो ऑब्जर्व किया कोई भी फिनोमेना या कोई डिस्क्रिप्शन आपने जो दी है, आप उसको डिस्कस करेंगे. डिस्कस योर रिफ्लेक्शन विद अदर्स टू डीपन योर इनसाइट. जब आप दूसरों से डिस्कस करेंगे, अदर दूसरे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, जिससे आपकी थिंकिंग फर्दर डीप होगी और वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस तरह आप पीयर्स या कलीग्स के साथ डिस्कस करते हैं, इंप्रूव योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एंड हेल्प एक्सप्लोर अ रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स. देन कलेक्ट एविडेंस. फिर आप उसके बारे में, आपको एविडेंस भी कलेक्ट करना है. देर आर टू सोर्सेज ऑफ एविडेंस, और सोर्स ऑफ एविडेंस टू है विच नीड टू बी यूज इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग असाइनमेंट्स. कौन कौन से वो दो सोर्सेज है? द नंबर वन, योर रिफ्लेक्शंस. नंबर टू इज एकेडमिक एविडेंस. ठीक है, कौन से दो एविडेंस है विच आर हेल्पफुल, विच आर द सोर्सेज ऑफ एविडेंस वाइल डूइंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग? द नंबर वन, योर रिफ्लेक्शंस. द नंबर टू इज एकेडमिक एविडेंस. रिफ्लेक्शन में क्या, फ्रॉम एसेंशियल एविडेंस ऑफ योर एक्सपीरियंस. आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो आपको इनकाउंटर हुआ, जो आपने फेस किया, ये एक्चुअली उसका आप उसकी अपनी रिफ्लेक्शन है उसके बारे में. ठीक है, तो ये एक एविडेंस आपके पास होता है. एकेडमिक एविडेंस कि आप पब्लिश्ड आर्टिकल्स, कोई थ्योरी, कोई लिटरेचर, कोई गूगल पर जिस तरह से मटेरियल गिवन है, आप उससे रिलेट करके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर रहे हैं. तो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स. नाउ लिमिटेशंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की लिमिटेशंस क्या हैं? ने कहा था, इसने क्या सजेस्ट किया कि रिफ्लेक्शन रिक्वायर्स अ लेवल ऑफ डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी व्हिच कैन बी कंफ्यूज विद सेल्फ डिसेप्शन. कि जो रिफ्लेक्शन का आंसर है, जो रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है, इसमें एक लेवल ऑफ डिटैचमेंट रिक्वायर होता है, यानी कि आप की जो थिंकिंग है वो प्रॉपरली फोकस्ड होनी चाहिए. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी उसका कोई मकसद हो स्पेसिफिक. और इसको किसके साथ कंफ्यूज किया जा सकता है? विद सेल्फ डिसेप्शन. अब एग्जाम्पल्स नीचे इन्होंने दिया कि
जो लिमिटेशन सेल्फ रिफ्लेक्शन की कि ये सेल्फ डिसेप्शन के साथ आप कंफ्यूज कर देते हैं इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। डॉक्टर ब्राउन इज वरीड अबाउट हिज क्लास, कि डॉक्टर ब्राउन अपनी क्लास के बारे में परेशान है। ही नोज दैट इफ ही डज नॉट स्टिक टू द टाइम एलोकेटेड फॉर ईच सेक्शन ही विल रन आउट ऑफ टाइम। तो वो जानता है कि अगर वो जितना टाइम उसको अलॉट किया गया है कि वो क्लास ले, उस टाइम के अंदर ही अपना जो टॉपिक है उसको कवर करवाए, तो वो इस बात से परेशान है कि अगर वो उस टाइम को प्रॉपरली या उस टाइम के साथ स्टिक नहीं रहेगा तो उसके पास टाइम की टाइम नहीं बचेगा तमाम टॉपिक को कवर करने का, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिफ्लेक्शन, वो उस पर रिफ्लेक्ट करेगा पहले, ये एक्चुअली वो सोचा है, दिस इज हिज रिफ्लेक्शन, द नंबर वन इज प्रॉब्लम, सॉरी। प्रॉब्लम क्या है, उसने क्या परसीव किया, पुअर टाइम मैनेजमेंट, उसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, पुअर टाइम मैनेजमेंट वो एक्सपीरियंस कर रहा है। रियलिटी एक्चुअली क्या है, कांट रिलिंक्विश कंट्रोल, वो एक्चुअली इस पर खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। परसीव उसने कहा क्या किया कि पुअर टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन एक्चुअली रीजन क्या है कि वो उस पर खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। रिफ्लेक्शन क्या है, क्वेश्चन रिड्यूस टाइम टू कवर मटीरियल, रिफ्लेक्शन ये है कि टाइम जो है वो रिड्यूस किया जाए तो मटीरियल को कवर करने के, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा मटीरियल कम टाइम में कवर करवाया जाए। अब रियलिटी क्या है, टाइम मैनेजमेंट बिकॉज द प्रॉब्लम एंड दैट इज गाइस एक्चुअल रियलिटी ये है कि जो मैनेजमेंट है टाइम मैनेजमेंट वो प्रॉपर नहीं की जा रही। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बेटर लेसन प्लान्स, की लेसन प्लान अच्छे किया जाए। अब ये हो सकता है कि वो रिवाइज कर ले तो उसकी वजह से भी उसका टाइम की बचत हो सकती है। डोंट अलाउ क्वेश्चन, और क्लास में क्वेश्चन अलाउ ना किए जाए। अब ये वो परसीव एक्चुअली किया जा परसीव ये हो रहा है, जबकि रियलिटी क्या है, नॉट डिस्कवर्ड वाया रिफ्लेक्शन। रियलिटी ये है कि जो सॉल्यूशन है उसको रिफ्लेक्शन के थ्रू डिस्कवर नहीं किया गया, यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं किया गया प्रॉपरली, सक्सेसफुल रिफ्लेक्शन जो है वो इस पर नहीं की गई। नाउ स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग द बैरियर, अब इस तरह की अगर रुकावटें आती हैं, बैरियर्स आते हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती हैं। देर आर ऑलवेज बैरियर्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, जब भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होगी उससे पहले या दुराने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस या फिर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बाद कुछ ना कुछ बैरियर्स इनकाउंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसमें से कुछ बैरियर जो है वो यहाँ पर गिवन है, द नंबर वन लैक ऑफ टाइम एंड स्पेस टू रिफ्लेक्ट, कि टाइम ना होना, टाइम टाइम बहुत शॉर्ट, टाइम शॉर्टेज होना, एंड स्पेस टू रिफ्लेक्ट कि आप टाइम नहीं है, या फिर आपके पास इतनी लेवरेज नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबल और टाइमिंग नहीं है कि आपको रिफ्लेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस नहीं होगी, दिस इज द बैरियर कि टाइम ना होना। देन नेगेटिव आइडियाज अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में नेगेटिव आइडियाज आप जनरेट हो सकते हैं, जिस तरह से इट इज कॉमन टू फाइंड नेगेटिव प्रीकंसेप्शन अबाउट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, दिस इज बिकॉज इट कैन बी डिफिकल्ट इन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कि प्रॉपरली बैठ कर जो पास्ट इवेंट हो गया उसको सोचना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, तो इसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिव आइडियाज भी अबाउट रिफ्लेक्शन डेवलप हो सकते हैं, कि आप ये कह सकते हैं ये तो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, सम ऑर्गेनाइजेशन आर सपोर्टिव, अच्छा सेकंड सेकंड इसका बैरियर क्या था, नेगेटिव आइडियाज अबाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज द सेकंड बैरियर। देन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में ये कि अगर आपके वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही, ऑर्गेनाइजेशन आपको इतना टाइम नहीं देती, इतनी लेवरेज नहीं दे रही, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से भी आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अफेक्ट हो सकती है। सम ऑर्गेनाइजेशन आर सपोर्टिव, कुछ सपोर्टिव होती है जबकि कुछ नहीं होती। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, द एम ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट चेंजिंग द कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, बट अबाउट चेंजिंग योर ओन प्रैक्टिस एंड स्किल्स। तो बाज दफा ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आपके स्किल्स को चेंज करने की कोशिश की जा रही होती है, जबकि कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है उसका अपना कल्चर चेंज नहीं हो रहा होता। देन फियर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कैन बी एन इंटीमिडेटिंग आइडिया एज इट रिक्वायर्स अ क्रिटिकल ऑनेस्ट एंड ओपन व्यू ऑफ योर सेल्फ, दिट कैन बी डिफिकल्ट, तो अब ये भी एक प्रॉब्लम एनकाउंटर हो सकती है। देन द नेक्स्ट वन, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लैक ऑफ टाइम, टाइम ही ना होना, टाइम की शॉर्टेज होना। अब लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप प्रॉपर जो एक्चुअल या ऑथेंटिक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो कर सकें, ठीक है, तो यानी कि आपका
क्वालिफाइड ना होना, या फिर आपके पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि आप उसको किस तरह से क्रिटिकली सोच सकते हैं या उसकी रीजनिंग के बारे में सोच सके। देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसेस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसेस क्या है, कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री ब्रॉड हेडिंग्स। इसको तीन हेडिंग्स में डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिस, आपकी एक्चुअल वैल्यू, आपकी नॉर्म्स, आपके मोर्स क्या हैं, देन प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। द थर्ड वन इज द प्रोफेशनल स्किल्स एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट वैल्यूज एंड प्रैक्टिस, वैल्यूज प्रैक्टिस में क्या आता है, ट्रस्ट आता है, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, आपकी ईमानदारी क्या है, फेयरनेस क्या है, आपके अंदर बर्दाश्त करने की काबिलियत कितनी है, कमिटमेंट, आप कितना कमिटेड है विद योर जॉब, आप इक्वालिटी आ जाती है सर्विस, ये तमाम चीजें प्रोफेशनल वैल्यूज और प्रैक्टिस में आती है। ठीक है, डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज इन अप्लाइंग देयर वैल्यूज इन अ कमिटमेंट टू लर्नर्स। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के अंदर ये तमाम सलाहियतें अगर मौजूद हैं तो वो एक अच्छा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बन सकता है, और ये तमाम चीजें वैल्यूज, ये प्रोफेशनल वैल्यूज और प्रैक्टिसेज हैं जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर रही होती हैं। और इसमें क्या है, डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज, कि ये कॉम्पिटेंसीज डेवलप की जाए, प्रोफेशन कॉम्पिटेंसीज एंड डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज, ये फर्दर इसको इन्होंने एलेबोरेट किया है, लेकिन आपको एक्चुअली ये सारे नाम याद हों, ये तमाम चीजें प्रोफेशनल वैल्यूज और प्रैक्टिस में आती हैं। नंबर सेकेंड, प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रोफेशनल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो, उसके पास इतना नॉलेज हो, इतना क्वालिफाइड हो कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता हो किसी भी प्रॉब्लम को, और उसकी जो साइंटिफिक रीजनिंग है उसको या लॉजिकल रीजनिंग है उसके बारे में सोच सकता हो। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मस्ट इंश्योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट दे टीच। जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कमांड होनी चाहिए, फुल ग्रिप होनी चाहिए ऑन दैट सब्जेक्ट। अब डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज, आप ऐसी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए प्रोफेशनल जो प्रैक्टिशनर है उसके अंदर क्या क्या सलाहियतें होना लाजमी है, या फिर उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मस्ट इनहांस स्किल्स, उसको अपनी स्किल्स को इनहांस करना चाहिए, स्पेशली द कम्युनिकेशन स्किल्स इवन विद द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो द कलीग्स। उसको डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो टेक्नोलॉजी को यूज कैसे किया जा सकता है इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को इनहांस कैसे किया जाए, सपोर्ट कैसे किया जाए। देन द थर्ड वन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स सोशल एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट, सोशल और कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, या इस हवाले से स्टूडेंट्स के अंदर ये नॉलेज जो है इम्पोज करना प्रैक्टिशनर के लिए लाजमी है कि वो जो इम्प्लीकेशंस या फिर वो जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सके, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट में डेवलप कर सके। देन प्रोफेशनल स्किल्स एंड एप्लीकेशन, थर्ड जो कैटेगरी आ जाती है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की, तीन इसकी इसको कैटेगरीज थी। द थर्ड वन इज प्रोफेशनल स्किल्स एंड एप्लीकेशन, कि जो आप में प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसको अप्लाई करना आना चाहिए आपको। ठीक है, इन प्लानिंग एंड लीडिंग द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मस्ट सेट अप्रोप्रिएट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को अपने ऑब्जेक्टिव, आउटकम, इंटेंशन सेट करने हैं, मकसद एक्चुअली जो मेन पर्पस है कि सपोज क्लास में गए और वो टॉपिक उसका अब मेन पर्पस ये है कि ये टॉपिक आज कवर करवाना है, द नंबर वन। द नंबर टू इज कि इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कुछ पूछने हैं स्टूडेंट से ताकि उनकी लर्निंग का पता चल सके, तो अब ये एक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। देन प्लान एंड इवैल्यूएट लेसंस, फिर उन लेसंस को प्लान करना और इवैल्यूएट करना कि उसको इवैल्यूएट कैसे करना है, इवैल्यूएशन कैसे करनी है, जिस तरह मैंने कहा क्वेश्चनिंग करके। ठीक है, दीज आर द टू पॉइंट विच शुड बी अंडर कंसिडरेशन वाइल डूइंग प्रोफेशनल स्किल्स एंड एप्लीकेशन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। अब प्रोफेशनल स्किल्स और एप्लीकेशन को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी, नंबर वन के हम इसको यूज अ रेंज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, के टीचिंग स्ट्रेटजीज कोई भी जो पॉलिसीज वगैरह हैं हम उनको यूज करें, उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करें। देन सिक्योर एंड प्रोमोट अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट इनेबल्स ऑल स्टूडेंट टू लर्न डीलिंग विद पुअर बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिस, के वो जो तमाम पॉलिसीज हैं उनको स्टूडेंट्स को उन स्टूडेंट्स को जो है उसकी लर्निंग हो, उसकी नो हाउ हो, और आप उनको स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाएं इस बात का दैट दे हैव टू फॉलो द स्कूल पॉलिसीज एंड देयर प्रैक्टिस।
और टीचिंग एंड लर्निंग द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मस्ट कंट्रीब्यूट टू द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम या पीरियडिक या मंथली जिस तरह टेस्ट या क्विजेस लिए जाते हैं उससे मॉनिटर किया जाए। तो ये तमाम है जो प्रोफेशनल स्किल्स वो अप्लाई की जा रही हैं यहाँ पर। सिलेक्ट फ्रॉम अ रेंज ऑफ असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन देयर प्लानिंग टू मेक देयर टीचिंग मोर इफेक्टिव। नेक्स्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज फॉर डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की डायमेंशंस की बात की जा रही है कि जब हमने डेवलप करनी है ये कॉम्पिटेंसीज प्रैक्टिशनर में या फिर अपने, या अगर हम अपने एस्पेक्ट से सोचें, हम अपने अंदर ये जब कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या कुछ सोचना चाहिए या फिर हमें किस तरह से इसको लेकर चलना चाहिए। एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर प्रोग्रेस इन देयर करियर दे विल एनकरेज डिफरेंट चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशन। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होगी आप डिफरेंट चैलेंजेस या एक्सपेक्टेशंस को या जो स्ट्रेटेजीज हैं आप उनको इनकरेज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयर कंडीशन ग्रोज, इससे जो आपकी एक्चुअल कंडीशन है या परफॉर्मेंस है वो ग्रो अप होगी। दे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये एक्चुअली प्रैक्टिशनर की बात की जा रही है कि वो फिर एक्सपीरियंस से लर्न करेंगे। रिजल्ट क्या होगा इसका, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड टीचर, वो मजीद एडवांस सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस एडवांस टीचर बन जाता है। व्हाट इज द फ्रेमवर्क फॉर दिस रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन के लिए फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। यूज अ वाइड रेंज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, क्या आप एक वाइड रेंज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, जैसे ऐसा नहीं कि आप कुछ ना कुछ स्टेप्स अगर उठा रहे हैं उसमें से आधे स्टेप आपने टेक ओवर किए हैं बाकी स्टेप्स आप नहीं फॉलो कर रहे, आप एक वाइड रेंज की नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी कर सकें और उसको इम्प्रूव भी कर सकें। कि अगर आपको अपने अंदर कोई कमी नजर आती है या आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस बैठ जा रही है तो आप उसको इम्प्रूव करने की काबिलियत रखते हैं। द एबिलिटी टू इम्पैक्ट ऑन कुलीग थ्रू मेंटरिंग एंड कोचिंग, और फिर जो कुलीग्स हैं एंड होल्डिंग गुड प्रैक्टिस, उनकी काउंसलिंग करके, उनकी कोचिंग करके, उनकी मेंटरिंग करके आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। दिस वॉज ऑल फॉर टूडे। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब